वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मनीष टीचिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे मैथ्स क्विज। क्विज इज स्टार्टेड। पहला प्रश्न है क्विज का, फिल इन द ब्लैंक्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जोड़ घटो गुना भागा से इस 300 को 100 बनाना है। तीन ऑप्शंस दिए गए हैं और इस ऑप्शंस में कौन सा आंसर होगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड। करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे, तो 100 में 100 से पहले डिवीजन की क्रिया होगी तो 1 हो जाएगा, और 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, अर्थात 3 डिजिट के कितने नंबर हैं हमारे सिस्टम में। ये ऑप्शंस है 600, 800, 899 and 900। आंसर इज करेक्ट, 3 डिजिट्स के 900 नंबर्स हैं। अगर 1 से हम शुरू करें तो यहाँ तक हम आते हैं, तो यहाँ 99 होता है, तो 99 तक को अगर हम 1 से लेके 999 में, अर्थात 999 में हम 99 तक को हटा देते हैं, तो 900 नंबर्स जो बचते हैं यहाँ से यहाँ तक, वो 3 डिजिट्स के नंबर होंगे। क्विज थर्ड के प्रश्न हैं, 5 किलोलीटर 6 लीटर एंड 7 मिलीलीटर इक्वल टू कितने लीटर होंगे। और ये ऑप्शन है, एक नंबर में 5006.007 लीटर, दो में 5006.07, और ये थर्ड में है 18 लीटर, और फोर्थ में नन 5006.007 लीटर। करेक्ट आंसर, 5 किलो लीटर को हम पहले लीटर में चेंज करेंगे, ये 5000 लीटर हो जाएंगे। इसमें 6 लीटर है, इसको हम लीटर 6 लीटर को लीटर में जोड़ सकते हैं, और 7 ml है, 7 ml को हम चेंज करेंगे लीटर में, तो उसको हमको 1000 से भागा देना पड़ेगा, तो और ये हो जाएगा इतना लीटर। इसको हम अगर जोड़ देते हैं तो ये आंसर होगा। हाँ, हमारा फोर्थ प्रश्न है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू, और ये है 15,678,947 में कितना जोड़ेंगे तो 20,000,000 हो जाएगा। और ये ऑप्शंस है, 4,321,053, 5,310,533, 4,300,506, और नन 4,321,053। जी, आंसर इज करेक्ट। और इसमें अगर हम देखते हैं मिलियन कैसे लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार सौ हजार मिलियन 10 मिलियन, और यहाँ हम 20 मिलियन ये लिख दिया, और इसमें 3 डिजिट्स के बाद कोमा दिया जाता है, ये 20 मिलियन है। इस 20 मिलियन में से इसको हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो आंसर होगा वही इसका करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है, 12 × 22 = 264 होता है, तो देन 0.012 × 2.2 = इसमें से कौन सा ऑप्शन लगा, 0.0264 0.0264 0.0264 0.0264। आंसर इज करेक्ट। और इसको हम देखते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 264 होता है, तो इसमें हम 264 अगर हम लिखते हैं, यहाँ देख लेते हैं दशमलव कितने अंक के बाद बैठेगा, 1, 2, 3, और यहाँ एक अंक के बाद है तो 4, 4 अंक के बाद हम दशमलव बैठा देते हैं, 1, 2, 3 और 1 0 दे देते हैं, तो यहाँ ये हमारा करेक्ट आंसर
हो जाता, यही इसका ट्रिक है। तो इसमें करेक्ट आंसर इज 3। थैंक्स। एमटीटी मैथ क्विज के छठे प्रश्न बहुत अच्छे मज़ेदार हैं। 100 इज मल्टीप्लाइड बाय 0.03 गुना 0.4, ये कौन सा आंसर होगा? एक नंबर 1200, दो नंबर 0.1200, 0.3, 1.200, फोर्थ 0.012। 1.200 करेक्ट आंसर। इसमें ये बहुत ही आसान है, 4 × 12 और इसमें 100 से गुना करेंगे ये 1200 हो जाता है, और दशमलव जो है 1, 2, 3 तीन अंक के बाद हम दशमलव यहाँ दे देते हैं, यही इसका ट्रिक है। ये सब जितने सवाल होते हैं बहुत आसान होते हैं। क्विज के 7th प्रश्न में है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इन मीटर क्यूब हुज डायगोनल इज 6 मीटर। क्यूब का डायगोनल ये यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, तो इसका वॉल्यूम बताना है, इसका वॉल्यूम क्या होगा। ऑप्शंस है, एक नंबर 24√3 m³, दूसरा है 24√2 m³, तीसरा है 24 m³ और चौथा है ऑप्शंस में 26 m³। 24√3 m³ करेक्ट आंसर, और ये बहुत ही आसान है। इसमें सबसे पहले हम क्यूब का साइड्स को निकाल लेंगे। डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू होता है लेंथ स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर, चूँकि इसके तीनों भुजा 3D में इक्वल हैं, क्यूब है। अगर क्यूब क्यूबॉइड होता तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता। ये डायगोनल हम इससे निकाल लेते हैं, और डायगोनल निकाल के डायगोनल चूँकि हमको पता है, डायगोनल के से हम लेंथ निकाल लेते हैं और लेंथ का हम क्यूब कर देंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक सीरीज है जो किसी पैटर्न से चल रहा है, 1, 3, 6, 10, 15, 21, अगला नंबर कौन सा होगा? ऑप्शंस है 1 में 26, 2 में 28, 3 में 32, 4 में 30। 28 आंसर इज करेक्ट, 28 होगा, और ये ट्रायंगुलर नंबर है जिसको मैंने इससे पहले भी वीडियो दिया था, ट्रायंगुलर नंबर के संबंध में बताया था। ये ट्रायंगल फिगर के पैटर्न की तरह चलता है, और इसमें देखें 1, 3 इसके बाद 6 हो जाएगा, देख लीजिए 3 हुआ, 3 के बाद इसमें 3 हम जोड़े तो ये 6 हो गया, फिर इसमें हम 4 जोड़ते हैं तो ये 10 हो गया, फिर इसमें हम 5 जोड़ते हैं तो 15 हो गया, फिर इसमें हम 6 जोड़ते हैं तो ये 21 हो जाता है, फिर इसमें हम 7 जोड़ते हैं तो ये 28 हो जाता है। देन करेक्ट ऑफ आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसमें है एक पैटर्न दिया है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सीरीज किस पैटर्न से चल रहा है, ये कौन सा नियम लेके चल रहा है, और अगला अंक नंबर कौन सा होगा? 1 नंबर में 15, 2 नंबर में 17, 3 नंबर में 19, 4 नंबर में 21। 17 करेक्ट आंसर, 17 ये प्राइम नंबर है जो शुरू से चल रहा है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 17 होगा, जो एक प्राइम नंबर है। तो करेक्ट आंसर इज 2। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, 7819 पर पावर 100 है, तो इसका आंसर जो आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक आएगा, एट यूनिट प्लेस विल व्हाट डिजिट। और 9, 2 में 0, 3 में 3, 4 में 1, 1 इज करेक्ट आंसर। इसके यूनिट प्लेस पर दो ही डिजिट आ सकते हैं, 1 और 9। अगर इस पर इवेन नंबर पावर में है
तो 1 आएगा, अगर ऑड नंबर पावर में है तो 9 आएगा। उसका कारण है देख लीजिए, 2 अगर इवन 9 9 पहले गुना होगा तो 1 आ जाता है यूनिट प्लेस पर, फिर अगर इवन नंबर में 4 होगा तो वहाँ भी 1 आएगा तो 1 1 करके होगा, अगर इसी में अगर 3 आ जाता है तो 9 से 1 गुना होता तो वहाँ 9 रह जाता। यही कारण है, ये सब ट्रिकी प्रश्न है, ये सारे प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार सभी के आंसर्स को मैं पुनः दिखा दे रहा हूँ, ये आंसर्स है 1 से 10 प्रश्न के, इसका अवलोकन कर लें। थैंक्स।